हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। ये दोपहर का बर्तन है जो हम लोगों ने लंच किया था, और दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो इसलिए मैंने नहीं धुला था, तो सोचा चलो अब धो लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद मैं सब्ज़ी धोऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड आए थे लंच करने, तो सब्ज़ी लेकर आए थे। सब्ज़ी में ये लौकी है और आम लेकर आए थे। और ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाते हैं, क्या होता है ना कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो सब्ज़ियाँ सूख जाती हैं। और सब्ज़ी धुलने के बाद मैं जाऊँगी रेस्ट करने, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है। तो मिलते हैं 1 घंटा बाद आपसे। तो ये देखिए, शाम के 7 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ दिया जलाने। दिया जलाने का टाइम हो गया है, और अभी आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं लेफ़्ट हाथ से दिया जला रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं राइट हाथ से ही दिया जला रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं खुद शूट कर रही हूँ ना, तो सेल्फ़ी की तरफ से शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि मैं लेफ़्ट हाथ से यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं राइट हाथ से ही दिया जला रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ, नहीं तो आप लोग वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूजा भी करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं राइट हाथ से ही दिया जला रही हूँ। और देख, अभी तो हमारा मंदिर का काम हो गया, अब मैं चलती हूँ रूम में। तो ये देखिए, मैं अभी रूम में आ गई हूँ, और ये मेरा बड़ा बेटा आयुष है, तो अभी ये पढ़ाई कर रहा है, और छोटा वाला बाबू है वो खेल रहा है, वो पढ़ाई नहीं करता। उसको कितना भी बोल दो वो पढ़ाई नहीं करता है। तो चलिए मैं उसको भी दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। तो ये देखिए, छोटा वाला है, ये वो पढ़ाई कर रहा है, ये शैतानी कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं करता है और खेल रहा है, और पूरा सामान ही फैला देता है इधर उधर करके, पूरा घर के वो फैला के रख देता है, छोटा वाला मेरा बेटा। और अभी मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है, और मैं रूम में ही आकर आटा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे कूलर चल रहा है ना, तो यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ, यहीं पे सब्ज़ी भी काट लूँगी। आटा मेरा लग गया है, और डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पूरी, और साथ में आम भी है, तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और मेरे बड़े बेटे की फरमाइश है कि मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँ जैसे दावत में बनते हैं ना, वैसे टेस्टी सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैं अपने बड़े बेटे की फरमाइश से सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे देखते रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए आगे, मैं बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, सब्ज़ी मेरे कट गया, मैं सब्ज़ी धुल रही हूँ। और सब्ज़ी धुलने के बाद मैं देखिए मैं कैसे बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी। तो ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और तेल को गर्म होने देते हैं, और इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 इलायची छोटी वाली, और 2 से 3 लौंग, और उसके बाद 1 छोटी चम्मच जीरा, और इसमें प्याज ऐड कर देंगे, साथ में मिर्ची प्याज दोनों ही ऐड कर देंगे, और इसे चलाएंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है कि आप लोग पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। और तो प्याज हमारा भुना गया है, ज़्यादा मैंने नहीं भुना है, हल्का सा प्याज भुना है। अब इसमें आलू को ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा प्याज हम भून देते ना तो क्या होता ना कि आलू के साथ वो जल जाता, तो बस हल्का सा प्याज भूना है, और उसमें आलू ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से भूनना है आलू को। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से आलू को भून लिया है, और अभी थोड़ा सा और इसे भूनेंगे, और जब तक आलू मेरा पक रहा है तब तक मैं टमाटर को काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए तो अच्छी लगती है। आलू की सब्ज़ी जब भी बनाए ना सिर्फ आलू, तो उसमें टमाटर का मात्रा ज़्यादा रखें तो सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब खट्टापन सा आ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, आलू हमारा भुना गया है, और अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा।
अब इसमें टमाटर आलू हमारा अच्छे से भुना गया है, तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर का यूज़ नहीं किया है, कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, क्योंकि सब्ज़ी को एकदम देखने में अच्छा लगे। मेरे बाबू का फरमाइश था कि सब्ज़ी पूरा एकदम लाल दिखने लगे, उस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और उसके बाद भूनेंगे इसको, मसाला को अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, और तो आप इसे ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, बहुत ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो देखिए आलू हमारा हल्का सा पक गया है, तो बस पानी उसी के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि आलू थोड़ा सा पक गया है तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो इसको ढककर छोड़ देती हूँ। अब ये देखिए मैं पूरी तलने के लिए कढ़ाई ले ली हूँ और साथ में पूरी भी तल लेती हूँ, उधर सब्ज़ी बन रहा है इधर मैं पूरी तल लेती हूँ, और जब खाना बन जाएगा तो जस्ट हम लोग खाना भी खा लेंगे, क्योंकि पूरी है तो ठंडी हो जाएगी पूरी, तो खाने का मज़ा नहीं रहेगा। जब भी पूरी बनाए तो गर्मा गर्मी खाएँ तो सही रहता है, गर्म गर्म पूरी बनाओ और खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी सबसे पहले। और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो इधर देखिए सब्ज़ी भी बनकर रेडी है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, तो आप ऐसे जैसे मैंने बनाया है तो ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी। और ये देखिए पूड़ियाँ भी बन गई है, अब हम लोग डिनर करने जाएंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।